नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम भास्कर रेड्डी, डेल्टा ऑटो कंट्रोल्स, बेंगलुरु। आज हम लोग देखने जा रहा है सबमर्सिबल मोटर के लिए वाटर लेवल कंट्रोलर कैसा कनेक्ट करना चाहिए, कितना वेरिएंट्स का स्टार्टर्स आता है और कितना वेरिएंट्स में वाटर लेवल कंट्रोलर यूनिट्स आता है, कौन सा वेरिएंट कैसा कनेक्ट करना चाहिए। आज हम लोग इन सब में एक ब्रांडेड स्टार्टर BCH और डेल्टा वाटर लेवल कंट्रोलर का साथ कैसा जुड़ेगा देखेंगे इस वीडियो में। अभी देख लो, ये स्टार्टर BCH ब्रांड का है, ये अपना डेल्टा वाटर लेवल कंट्रोलर है, सबमर्सिबल में सूट होने वाला है, 6 कनेक्टर वाला बोलते हैं इसको। BCH स्टार्टर देखने में अंदर ऐसा रहेगा, इसमें एक NO पुश बटन, एक NC पुश बटन, वोल्ट मीटर, एम्स मीटर ऐसा सामने रहेगा। और अंदर देखने से एक रनिंग कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा, एक कॉन्टैक्टर है और एक ओवरलोड रिले है। इतना सारा BCH स्टार्टर का अंदर रहेगा। इसको बेसिकली कैसे कनेक्ट करेगा, बिना वाटर लेवल कंट्रोलर का साथ फेस न्यूट्रल इनपुट एंड RYB आउटपुट ऐसा रहेगा। फेस न्यूट्रल इनपुट अपना घर में जो बिजली का सप्लाई आता है वो मीटर से सप्लाई, अपना स्टार्टर का इनपुट सप्लाई आ जाएगा और अपना स्टार्टर से जो भी बोरवेल है बोरवेल का अंदर 3 कोर केबल ऐसा जाएगा RYB। देखिए इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, ग्रीन बटन प्रेस करने से मोटर ऑन होता है, 3 सेकंड के लिए ग्रीन बटन प्रेस करना पड़ेगा और रेड बटन प्रेस करने से मोटर बंद होता है। ऐसा हम लोग घर में मोटर स्टार्टर यूज़ करेगा। नेक्स्ट, किसी को मोटर ऑन एंड ऑफ करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, टाइम सेव करना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मोटर का बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उस जगह में अपना डेल्टा वाटर लेवल कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कम्प्लीटली कैसा पावर कनेक्शन करना है, पावर वायरिंग कैसा करना है, सेंसर वायरिंग कैसा करना है, सेंसर क्या क्या सेंसर क्या होता है, ये फ्लो सेंसर क्या होता है, फुली ये वीडियो में देखेंगे। अभी देखने से अपना डेल्टा वाटर लेवल कंट्रोलर देखने के लिए ऐसा रहेगा सामने, एंड कनेक्टर्स देखने से इस तरफ रहेगा। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें रहेगा ये सबसे छोटा वाला स्विच जो है, ये डिवाइस काम करने के लिए ऑक्सिलरी पावर सप्लाई को ऑन एंड ऑफ करने के लिए, मतलब ये वाला स्विच जब भी ऑफ करेगा ये डिवाइस को पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली मोटर ऑन एंड ऑफ नहीं होता है। नेक्स्ट, ये वाला बड़ा स्विच जो है ये नीचे रहेगा तो ऑटो मोड है, मिडिल में रहेगा तो ऑफ मोड है, सबसे ऊपर ऐसा डालने से मैनुअल मोड है। ऑटो मोड का भी यूज़ करते हम लोग ये वाला स्विच भी ऑन में रखना पड़ेगा। अगर हम लोग का ऑटो मोड नहीं चाहिए, ये स्विच ऑफ करने से ऑटो मोड काम नहीं करता है, अगर ये स्विच ऑन में रहेगा तो भी मेरे को मैनुअल मोड में ऑन करना है, कोई कारण से मैनुअल मोड, आप टैंक में जाने से मोटर ऑटो मोड में चलेगा, दूसरा कहीं और दूसरा जगह में पानी छोड़ना चाहिए, तो हम लोग क्या करना है, ये वाला स्विच जो है इसको मैनुअल मोड रख के देन अपना स्टार्टर में ग्रीन वाली पुश बटन प्रेस करने से मोटर ऑन होता है, नहीं तो मोटर ऑन नहीं होता है, ऐसा ये वाला काम करेगा। नेक्स्ट, ये देखने से फ्यूज़, कभी भी ये डिवाइस को हाई वोल्टेज सप्लाई आ गया, कोई लाइन न्यूट्रल शॉर्ट हो गया, उस समय ये डिवाइस प्रोटेक्शन के लिए ऐसा फ्यूज प्रोटेक्शन दिया गया है, ये इसके कारण से अपना डिवाइस को कंप्लीट सेफली रहेगा। नेक्स्ट, ये देखने से MOV मेटल ऑक्साइड वेरिसिस्टर बोलते हैं इसको, जो भी स्पाइक बस्टर्स आता अपना बिजली का सप्लाई में, एक एक टाइम क्या होता है 230 वोल्टेज पावर सप्लाई का अंदर 440 आ जाएगा, नहीं तो 300-350 ऐसा आ जाएगा, समटाइम्स 600 वोल्टेज भी आ जाएगा, वो कंटिन्यूसली नहीं रहता, ऐसा मिली सेकेंड्स में आता है, एक 10-15 सेकेंड्स ऐसा आता है, उस समय में अपना डिवाइस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना, अगर ऑटोमेटिक मोड में मोटर चल रहा है तो मोटर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना बोल के ये MOV दिया है, ये बरस्ट हो जाएगा, इमिडिएट डिवाइस पूरा स्विच ऑफ हो जाएगा। दोबारा हम लोग क्या करना चाहिए, ये MOV रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कट करके निकाल सकते हैं, निकाल के इधर फ्यूज़ भी गया जाएगा उस समय, वो फ्यूज़ नया फ्यूज़ रिप्लेसमेंट करके दोबारा अपना डिवाइस एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखने से कंट्रोलर में
पावर कनेक्टर्स और सेंसर कनेक्टर्स ऐसा रहेगा। और एक मैं बोलना भूल गया आपको, ये सिंटेक्स टैंक है, ये अंडरग्राउंड टैंक है। सेम ऐसा वाली मोटर, सबमर्सिबल मोटर अंडरग्राउंड टैंक में कभी कभी डालेगा। ऐसा जगह में अंडरग्राउंड टैंक में भी चाहिए तो हम लोग सेंसर यूज़ कर सकते हैं। बोरवेल में जाने के टाइम सेंसर अंडरग्राउंड टैंक में यूज़ नहीं करेगा। ये अपना सिंटेक्स टैंक ही है, छत का ऊपर जो रखता है ना वो सिंटेक्स टैंक ही है। सिंटेक्स टैंक कभी फुल हो जाएगा मोटर बंद हो जाता, कभी एम्प्टी हो जाएगा मोटर चालू हो जाता है। कनेक्ट पावर कनेक्टर्स देखने से सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एल एन, ये दोनों ये डिवाइस के लिए काम करना चाहिए। तो वो फेस एंड न्यूट्रल सप्लाई आएगा, ऑक्सिलरी सप्लाई, ये डिवाइस काम करना चाहिए तो इसको एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी हम लोग इधर से प्रोवाइड करना पड़ेगा फेस एंड न्यूट्रल। हम लोग ऐसे सबमर्सिबल स्टार्टर में जाने का टाइम सारा जो पावर कनेक्शन है 0.75 और 1 square mm में यूज़ करने से काफ़ी है। इससे ज़्यादा स्क्वायर mm का वायर रिक्वायरमेंट नहीं है, 2-2.5 square mm ऐसा वाला केबल नॉट रिक्वायर्ड। इसमें 1 square mm मोर देन एनफ है। ये फेस न्यूट्रल है, ये ऑफ सीरीज जो भी अपना रेड वाला बटन है ना, ये बटन को सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ऑन पैरेलल CO1 NO1, ये ऑन बटन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम ऑन बटन में कैसे यूज़ करना है पैनल के अंदर हम लोग देखेंगे। ये अभी जो ये कंट्रोलर हम लोग बोरवेल में यूज़ कर रहा है, इसके कारण से क्या करना है, अंडरग्राउंड वाले पूरा सेंसर्स एक से एक पूरा शॉर्ट करके रखना है। कॉमन SL SH SF, ये सम सेक्शन का है, ये पूरा शॉर्ट करके रखना है। बेसिकली हम लोग यूज़ करेगा 4 core सेंसर केबल, हर एक जगह में, हर एक ऑल ओवर इंडिया में 4 core वायर यूज़ करता, नहीं है तो 3 core वायर यूज़ करेगा। इस डिवाइस को 3 core वायर भी यूज़ कर सकते हैं, 4 core भी यूज़ कर सकते हैं, 5 core भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेगा 4 core वायर। 4 core वायर यूज़ करने का समय आपको देखने के लिए कनेक्टर्स ऐसा मिलेगा, कॉमन TL TN। हम लोग इधर क्या करना है, TL TN दोनों को शॉर्ट करके रखना है। नेक्स्ट TH, ये मोटर ऑफ लेवल है, ये TN आपको हमारा मोटर ऑन लेवल है। नेक्स्ट FW, ये FW क्या काम करेगा, FW फ्लो सेंसर। अगर अपना बोरवेल से पानी नहीं आ रहा है, बोरवेल को बंद करने का वाली काम ये वाली ड्राई रन सेंसर करेगा। अभी 4 core वायर इधर कनेक्ट करके ऊपर अपना सिंटेक्स का पास कैसा वायर निकलेगा, उधर कैसा वायर जोड़ना है हम लोग देखेंगे। देखिए सिंटेक्स का पास हम लोग को 4 core वायर ऐसा मिल जाएगा। 4 core ऐसा मिलने का टाइम क्या करना है, इसमें 3 sensor टैंकी के अंदर जाएगा। 3 में रेड वाला जो है ये कॉमन वाली सेंसर होता है, ब्लैक वाली जो है ये मोटर ऑन लेवल, जो मोटर कौन सा लेवल में ऑन करना है उस लेवल में ब्लैक वाला यूज़ किया है। नेक्स्ट ये ग्रीन वाला जो है ये मोटर ऑफ लेवल, आपको कौन सा लेवल पानी आने के बाद मोटर ऑफ होना चाहिए उस लेवल में ये वाला सेंसर को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्लो सेंसर, फ्लो सेंसर से 2 wire निकलेगा, ऐसा दो फॉल से 2 wire निकलेगा। देखिए एक वायर कॉमन के साथ जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कॉमन के साथ, कॉमन सेंसर के साथ जोड़ना पड़ेगा, दूसरा वायर येल्लो वायर के साथ जोड़ना पड़ेगा। आई थिंक समझ गया सब लोग का। सेंसर ऐसा जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग पैनल का अंदर पावर कनेक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पैनल को जो सप्लाई आ रहा है वो सप्लाई आ रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। और एक बात है, डायरेक्ट कस्टमर का जगह में इंस्टॉलेशन का जो भी टेक्नीशियन जाएगा, पहले क्या करना है, मोटर ऑन करके सही एम्प्स ले रहा है सही एम्प्स नहीं ले रहा है, मोटर ऑन हो रहा है, ऑन करके ऊपर छत पर जो भी इनका सिंटेक्स टैंक है उसमें पानी जा रहा है नहीं है, वो पहले ही कंफर्म करके देन अपना इंस्टॉलेशन का काम शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि सम प्लेसेस कोई एक प्रॉब्लम रहेगा, वो प्रॉब्लम आप लोग इंस्टॉल करने का समय इन लोग को नज़र आएगा, बाद में आपका वजह से मेरा मोटर ख़राब हो गया नहीं तो ऐसा फॉल्ट आ गया बोल के बोलने का कारण ज़्यादा चांसेस रहेगा। इसलिए सभी टेक्नीशियन को मैं ये बात बोल रहा है, आप पहले ही जाके साइट में पूरा सही है नहीं है चेक करके
अगर कोई फॉल्ट रहेगा तो कस्टमर को पहले ही बता दो आपका स्टार्टर का अंदर ए वाला फॉल्ट है, अगर आपका मोटर से ए वाला फॉल्ट है, मोटर से पानी इतना आ रहा है पूरा, अगर पॉसिबिलिटी रहेगा तो वीडियो भी लेके रख लीजिए ऊपर कितना पानी आ रहा है, ऑटोमेटिक करने के बाद कितना पानी आ रहा है, बिफोर ऑटोमेटिक कितना एम्स लोड ले रहा था, स्टार्टिंग करंट कितना ले रहा था, रनिंग में कितना एम्स ले रहा था, पूरा आप नोट करके रख लीजिए, आपको काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, लेट नहीं करना, हम लोग वीडियो में जाएंगे पावर वायरिंग। अभी पावर सप्लाई ऑफ करना है पहली बार, ठीक है, पैनल ओपन करके अपना पावर वायरिंग कभी जोड़ेगा ना उस समय पावर सप्लाई ऑफ करना, मेन सर्किट ब्रेकर रहेगा वो मेन सर्किट ब्रेकर को ऑफ करके काम शुरू करना है। अभी पावर ऑफ हो गया, ऑफ है नहीं है टेस्टर का सहायक हम लोग चेक करेंगे, पावर तो ऑफ में है। अभी देखिए सबसे पहला अपना फेस न्यूट्रल ऑक्सिलरी सप्लाई फॉर अपना वाटर लेवल कंट्रोलर डिवाइस के लिए किधर से लेना है फेस और न्यूट्रल, हमारा बिजली का सप्लाई जो इधर कनेक्टर नंबर 1 और 2 में फेस न्यूट्रल ये पैनल में इनपुट हो रहा है उसी जगह से हम लोग फेस और न्यूट्रल जोड़ना पड़ेगा। 1 square mm का वायर काफ़ी है, इससे ज़्यादा वायर का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करना है नीचे से बैटर ऊपर से दे दो कनेक्टर में, क्योंकि कभी पैनल में वायर निकल रहेगा, निकल के दूसरा जगह शिफ्टिंग होता है, ऐसा टाइम आसान हो जाएगा कस्टमर का भी। ठीक है, फेस न्यूट्रल, फेस का जगह में फेस जोड़ रहा है, न्यूट्रल का जगह में न्यूट्रल जोड़ रहा है। उसका साथ में जोड़ना है, ठीक है, फेस जोड़ लिया मैं, अभी न्यूट्रल भी जोड़ रहा है। हो गया अपना कनेक्टर नंबर 1 और 2 लाइन न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ सीरीज बोल के है, इसमें से 2 वायर लेना पड़ेगा हम लोग, 2 वायर लेके किधर कनेक्ट करना चाहिए अपना स्टार्टर में देखने से, ऑफ बटन इधर नज़र आ रहा है आप लोग सब लोग का, ऑफ बटन में देखिए, ऑफ बटन में ऐसा 2 पोर्ट रहेगा, ऑफ बटन में इसमें कोई भी एक तरफ सिंगल वायर रहेगा ना, उस साइड सिंगल वाला वायर निकालना चाहिए पहले। ये वायर जो है निकाल दो ऐसा बाहर आ जाएगा। हम लोग क्या करना है, 2 वायर ले लिया है ऑफ बटन से, ऑफ रिले से अपना डेल्टा वाटर लेवल कंट्रोलर डिवाइस से 2 वायर ऐसा है। सबसे पहले क्या करना है, इधर एक वायर निकाल दिया, इस वायर का साथ जोड़ लीजिए, इस वायर के साथ जोड़ दो, जोड़ने के बाद टेप मार दो इसको, इन दोनों वायर में कोई भी एक वायर जोड़ सकते, इसको कोई यही वायर का साथ जोड़ना है बोल के ऐसा कुछ नहीं है। 2 येलो वायर ले लिया हम लोग, दोनों में कोई एक वायर ये वायर का साथ जोड़ लेना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा वायर जो बचा है, दूसरा वायर इसमें ये टर्मिनल से हम लोग वायर निकल दिया है, किधर निकल गया वायर उस जगह में हम लोग उस टर्मिनल का साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया अपना ऑफ बटन सीरीज कनेक्शन हो गया, एक वायर निकल के वायर में एक और कनेक्टर में एक जो जोड़ेगा ना इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, अपना ऑफ पुश बटन सीरीज कनेक्शन हो गया है। नेक्स्ट ऑन पुश बटन, ऑन रिले के लिए हम लोग 2 वायर जोड़ना पड़ेगा, ऑन बटन में देखो इधर से 2 व्हाइट कलर वाला वायर निकल रहा है ऑन पैरेलल, अभी हम लोग किया है ऑफ बटन में सीरीज कनेक्शन, ऑन बटन में हम लोग पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। पैरेलल कनेक्शन के लिए 2 वायर लेके इसमें 4 टर्मिनल रहेगा,
दो टर्मिनल रहेगा स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए, दो टर्मिनल रहेगा मोटर ऑन करने के लिए। हम लोग 6 कनेक्टर वाले सिस्टम यूज़ कर रहा है, इसके कारण से इधर स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक एक टेक्नीशियन स्टार्टिंग कैपेसिटर का साथ ऑन करने के लिए देखते हैं, एक एक टेक्नीशियन डायरेक्ट ऑन करेगा। इसलिए बहुत आदमी मेरा रिक्वायरमेंट जो बहुत टेक्नीशियंस मेरे को पूछ रहा था 6 कनेक्टर वाला वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं 6 कनेक्टर वाला वीडियो आप लोग को दिखा रहा है। इसका साथ ही हम लोग ऐसा वाला डिवाइस को एक कॉन्टैक्टर कैसा ऐड करना है आगे वाला नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी इन दोनों वायर को क्या करना है, ये ग्रीन वाला है ना, ग्रीन ब्लॉक में दो वायर, इधर एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये दोनों वायर भी ऐसा ही है, ये वायर उधर जा सकते हैं, ये वायर इधर आ सकते हैं, दोनों किधर किधर भी आ सकते हैं। दोनों में जो वायर्स पहले पैनल का अंदर है, ये दोनों वायर ऐसा ही रहना पड़ेगा। इसका साथ ही हम लोग कंट्रोलर से जो दो वायर निकल रहा है वो दो वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कोई वायर में नहीं निकला है उधर से, उसका साथ में हमारा दो वायर्स कनेक्ट हो रहा है। कनेक्शन हो गया, पावर कनेक्शन इतना सिंपल रहेगा। देखिए और एक बार मैं बताता, दो वायर ऑन बटन में कनेक्ट हो गया पैरेलली, दो वायर ऑफ बटन में कनेक्ट हो गया सीरीज, और दो वायर पावर इनपुट के लिए मेन पावर सप्लाई किधर आ रहा है उस जगह में कनेक्शन हो गया। सेंसर भी आप लोग सभी देख लिया है ऑलरेडी, हम लोग अभी पैनल बंद कर देंगे, ठीक है। अभी अपना वाटर लेवल कंट्रोलर यूनिट अपना BCH स्टार्टर का साथ जोड़ लिया है, अभी पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने का पहले ऑटो मोड में रखेंगे, हम लोग समझेंगे ये अपना ओवरहेड टैंकी है। अभी पूरा सेंसर टैंकी का अंदर डालेंगे, टैंक में पानी है बोल के हम लोग का नज़र आ जाएगा, ठीक है। तीनों सेंसर टैंकी का अंदर गया है, मैं पावर सप्लाई ऑन करेगा, पावर सप्लाई ऑन करता ही हमारे डिवाइस में पावर सप्लाई हाई बोल के शो हो जाएगा। ये जो पावर वाले बटन LED है, डिवाइस में 230 वोल्टेज पावर हाई बोल के इंडिकेशन मिल जाएगा। इसका नीचे वाला ड्राई पंप, इसका नीचे वाला हाई एंड लो वोल्टेज इंडिकेशन। अभी हम लोग पूरा सेंसर शॉर्ट किया, इसके वजह से सम्प में पानी हाई बोल के, अंडरग्राउंड में पानी हाई बोल के इंडिकेशन आएगा, इधर इंडिकेशन मिल जाएगा। ये हमेशा ऐसा ही तीनों ग्रीन LED रहेगा सबमर्सिबल में, ठीक है। अभी अपना ओवरहेड टैंकी में पानी है इसलिए मोटर ऑन नहीं हुआ है। हम लोग एक एक करके सेंसर निकलेंगे हमारा ओवरहेड टैंक से। हाँ, अभी ग्रीन वाला सेंसर मोटर ऑफ लेवल में कनेक्ट किया है, सेंसर निकल गया है, ये देख सकते हैं आप, मोटर ऑफ वाला सेंसर है। नेक्स्ट ब्लॉक वाला सेंसर जो है ये मोटर ऑन लेवल वाला सेंसर है, इसको निकलते ही मोटर ऑन हो गया है। मोटर ऑन होता ही हम लोग को क्या नज़र आएगा, इधर मोटर में रेड लाइट मिल जाएगा, इधर फ्लो इंडिकेशन भी दिखेगा। अगर इधर पानी आके गिर रहा है तो अपना टैंक में पानी आके गिर रहा है कि नहीं है कैसा पता चलता है, इधर हमारा ड्राई रन सेंसर है, वाटर फ्लो सेंसर, और एक टैंकी के अंदर ऐसा टैंक निपल रहेगा, उसको हम लोग क्या करना है, इसमें दो होल रहेगा, उसको केबल टाई का सहायता से ऐसा बांध के रखना चाहिए। जब भी पानी आके इन दोनों सेंसर को पानी टच करेगा, इधर वाटर फ्लो इंडिकेशन मिल जाएगा। देखिए मैं फ्लो सेंसर दिखाने के लिए इसमें पानी में डूबा है, देखिए पानी आ रहा है तो ऐसा फ्लो इंडिकेशन भी मिल जाएगा। जितना देर के लिए पानी आएगा टैंक फिल होने का पहले, उतना देर के लिए हम लोग का ये वाला फ्लो इंडिकेशन लाइन में पानी जा रहा है बोल के इंडिकेशन मिल जाएगा। जो भी एक लेवल में पानी आ गया है, लेवल इंडिकेशन भी मिल जाएगा ऐसा। देखिए आधा टैंक से ज़्यादा है बोल के पानी, लेवल इंडिकेशन मिल गया,
नेक्स्ट टैंक फुल वाली इंडिकेशन आ गया, मोटर भी बंद हो जाएगा, इंडिकेशन भी आ जाएगा, मोटर भी बंद हो जाएगा। इंडिकेशन आने के बाद 10 सेकेंड में मोटर बंद होता है। ऐसा अपना फुल्ली ऑटोमेटिक डेल्टा वाटर लेवल कंट्रोलर सबमर्सिबल स्टार्टर का साथ में काम करेगा। कोई इंटरेस्टेड टेक्नीशियंस है, कोई नया बंदा मेरा चैनल अभी देख रहा है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को पहले एक लाइक कर दो। मेरा ऐसे ही आने वाला वीडियोस आपको मिलना चाहिए तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेशन प्रोडक्ट का रिलेटेड मैं करता रहता है। थैंक यू।